क्या आपने मसाला डोसा आइसक्रीम रोल खाया है? क्या आप मोमोज पाव खाना पसंद करेंगे? क्या आप जानते हैं गुलाब जामुन पराठा भी मार्केट में मिलता है? और क्या आपको पता है आपको 40 आइसक्रीम स्कूप खाने के 10,000 रुपए मिलते हैं? और आज आपको हम दिखाएंगे हार्ट अटैक एमलेट, जिसे देखने के बाद आपको सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वाहियात खाने का वीडियो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और बेहद ही बेकार और अनहेल्थी खाने की चीज, जिसमें से आखिरी डिश को देखने के बाद तो आपको सच में हार्ट अटैक आ जाएगा, और अगर उसे आपने खा लिया तो आपको भगवान के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं मसाला डोसा आइसक्रीम रोल से। मतलब हमें यह समझ नहीं आता कि आइसक्रीम और मसाले डोसे का आपस में क्या लेना देना है। क्यों मसाले डोसे को जबरन आइसक्रीम बनाने की कोशिश की जा रही है? ये तो वही बात हुई कि किसी लड़के को सुंदर सी फ्रॉक पहना दे और उसे कहीं की वह लड़की है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर मसाले डोसे को उठाकर आइसक्रीम स्लेट पर डाला जाता है और उसकी आइसक्रीम बनाई जाती है और उसका रोल बनाकर फिर खाने के लिए दिया जाता है। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि इसमें टेस्ट कैसा होगा, मसाला डोसे का या आइसक्रीम का, मीठा या नमकीन। अगर आपने कभी खाया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। दो चीजों को मिलाकर एक चीज बना देने वाला ट्रेंड मार्केट में कुछ ज्यादा ही चल रहा है, जिसमें लोग कुछ भी उठाकर बना देते हैं। ऐसा ही कुछ बनाया गया है मोमोज पाव के साथ। इसमें सबसे पहले मोमोज बनाए जाते हैं, उसके बाद पाव को भी स्टीम किया जाता है। इसके बाद पाव के अंदर मोमोज भर के सॉस और मेयोनेज के साथ खाने के लिए दिया जाता है। स्टीम पाव कितने गंदे लगते होंगे ये आप और मैं अच्छे से समझ सकते हैं, और उसके अंदर मोमोज डालकर कौन खाता है। इस तरह की डिश बनाने वाले लोगों का जूते से स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, आपने आलू का पराठा, प्याज का पराठा, मूली का पराठा, पनीर का पराठा तो खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी गुलाब जामुन पराठा खाया है? अगर नहीं खाया तो कभी खाना भी मत, क्योंकि उसे खाने के बाद आपकी डायबिटीज 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक जगह ऐसे ही आटे के अंदर गुलाब जामुन को भरकर गुलाब जामुन पराठा बनाकर दिया जा रहा है, जिसमें ढेर सारे घी और बटर डालकर दिया जाता है, जिसे खाने के बाद इंसान उठता नहीं उठ जाता है। चलिए आपको एक चैलेंज भी बता देते हैं। एक जगह पर 40 आइसक्रीम स्कूप खाने के 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आइसक्रीम बनाने की प्रक्रिया भी देख लीजिए। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए कई स्कूप आइसक्रीम डाले जाते हैं, जिसके बाद साथ में वेफर्स, चॉकलेट वेफर्स क्रीम डाली जाती है, और फिर और आइसक्रीम डालकर इसे रेडी किया जाता है, जिसे खाना शायद ही किसी के बस की बात होगी, और अगर खा लिया तो 10,000 की जगह 20,000 रुपए डॉक्टर को देना पड़ेंगे। और अब आपको बताते हैं अभी तक का सबसे अनहेल्दी खाना, हार्ट अटैक एमलेट। इस एमलेट को बनाने के लिए पता नहीं कितने किलो बटर का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद इसमें पता नहीं कितने अंडे डाले गए हैं, और इस तरह से उसे बनाकर फिर से इसके ऊपर 2 किलो बटर रखकर दे दिया जाता है खाने के लिए। इसे देखने के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो इसे खाने के बाद क्या होगा? इसे खाना मतलब भगवान के पास जाने की सीधे टिकट काटना। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इस तरह के बहकावे से डरते रहिए।